हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग एचपी अलाइट के जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज रिकेटस, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, अनिमिया। राइट ऑप्शन की बात करें, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहा जाता है। रतौंधी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया भी नाइट ब्लाइंडनेस को कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को रात के समय या शाम के समय दिखना बंद हो जाता है। बात करें यहाँ पे विटामिन की, तो विटामिन शब्द लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और विटामिन जो शब्द है वो दिया है सी फंक ने। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम रहता है, दैट इज रेटिनोल। कई जगह पे इसे रेटिनल भी लिखा गया है, कई जगह पे इसे रेटिनल नाम से भी जाना गया है। विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग होता है, दैट इज योर जीरो पथालमिया। जीरो पथालमिया जो डिजीज रहती है, दैट इज ये आई से रिलेटेड रहती है, यानी कि जो आंखों का पानी होता है वो सूख जाता है, एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ड्राइनेस इन द आई। जीरो पथालमिया जो होता है, दैट इज ड्राइनेस इन आई। बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन थी, दैट इज योर रिकेटस। रिकेटस हमारे पास विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बात करें स्कर्वी की, स्कर्वी हमारे पास विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और अनिमिया हमारे पास रहता है, दैट इज फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी नाइन की कमी से होने वाला रोग रहता है। ये आपके पास बी ट्वेल्व भी आता है कई बार ऑप्शन में, और बी सिक्स डी हमारे पास ऑप्शन में आता है, ठीक है। इन तीनों से हमारे पास अनिमिया रोग होता है। बात करें यहाँ पे विटामिन डी की, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम रहता है, दैट इज योर कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। और विटामिन सी का जो नाम रहता है, रासायनिक नाम रहता है, दैट इज योर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। बात करें यहाँ पे बी नाइन के रासायनिक नाम की, दैट इज योर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के नाम से बी नाइन को जाना जाता है। बी ट्वेल्व का जो नाम रहता है, दैट इज साइनो कोबाल अमीन। और बी सिक्स का जो नाम रहता है, दैट इज पैराडॉक्सिन विटामिन, पैराडॉक्सिन विटामिन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारी एकेडमी के द्वारा एचपी पुलिस और टेट के बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज, विडाल परीक्षण किस रोग के निदान के प्रयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस। जो राइट ऑप्शन रहेगी, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि यह जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम, दैट इज योर साल्मोनेला टाइफोसा होता है। साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु की वजह से टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड को फीवर ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि टाइफाइड से कौन सा बॉडी पार्ट हमारा अफेक्ट होता है, दैट इज इंटेस्टाइन, तब हमारे पास आएगा इंटेस्टाइन, यानी कि आंतें हमारी प्रभावित होती हैं टाइफाइड की वजह से। बात करें यहाँ पे मलेरिया की, मलेरिया मलेरिया हमारे पास एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, परजीवी की वजह से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी लिखा जाता है। बात करें इसके परजीवी का नाम क्या है, मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम, दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। परजीवी की वजह से मलेरिया रोग होता है और इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होता है, दैट इज योर रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होता है। बात करें आगे एड्स की, एड्स हमारे पास वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाला एक रोग है। इसका जो वायरस का नाम रहता है, दैट इज योर एचआईवी। एचआईवी से पहले अगर बात करें एड्स की फुल फॉर्म, दैट इज एक्वायर्ड अमीनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये हमारे पास एड्स की फुल फॉर्म रहती है। बात करें एचआईवी की, एचआईवी एड्स के वायरस का नाम है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट होता है, दैट इज योर एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट
ऐसे, ये हमारे पास एलिजा टेस्ट की फुल फॉर्म होती है। बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और इसके बैक्टीरिया का नाम आता है हमारे पास दैट इज माइकोबैक्टीरियम टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये इसके बैक्टीरिया का नाम रहता है। बात करें इससे रिगार्डिंग जो टेस्ट रहता है दैट इज मेंटॉक्स टेस्ट, इसे हम लोग स्किन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग स्किन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प इन लेग्स इज ड्यू टू द डीपोजिशन ऑफ, भारी व्यायाम के बाद हमारे पैरों में ऐंठन हो जाती है जो निम्न में से किसके जमाव के कारण होती है। हमारे पास ऑप्शन है CO2, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, वाटर। CO2 की बात करें दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल और वाटर। वाटर हमारा सिंपल इस तरह से लिखा जाता है H2O की फॉर्म में, तो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज योर लैक्टिक एसिड हमारा राइट आंसर रहेगा। लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मसल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ठीक है, बात करें अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड हमारे पास मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, और मिल्क में बात करें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके संश्लेषण के लिए कार्य करता है। हमारे पास ऑप्शन है ATP, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन, गॉल्जी अपरेटस। बात करें यहाँ पे ATP की, तो ATP का पूरा नाम आता है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यह सेल का जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन रहता है वहां पे ये पार्टिसिपेट करता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। आगे एटीपी की डिस्कवरी अगर पूछी जाए तो इसकी डिस्कवरी लॉह मैनन ने एटीपी की डिस्कवरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है, और इसे जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम था वो दिया था हमारे पास कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के नाम से अल्टमैन ने कहा था। प्रोटीन हमारे पास जो बैलेंस डाइट होती है इसका एक पार्ट माना जाता है, ये अमीनो एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी में रहती है। गॉल्जी बॉडी भी हमारे पास सेल का एक पार्ट होता है, तो राइट ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे पास जो ER रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसका जो सेकेंड पार्ट रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप का रहता है सेल में, दैट इज योर रफ ER और स्मूथ ER, रफ ER और स्मूथ ER। रफ ER वाला जो पोर्शन रहता है ये प्रोडक्शन करता है प्रोटीन की, और जो स्मूथ ER रहता है ये प्रोडक्शन करता है हमारे पास फैट्स की। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक के रफ पार्ट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोमोलिक्यूल इज नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन सा जैव अणु श्वसन वर्णक के रूप में जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन। जो राइट आंसर है दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं, और हीमोग्लोबिन हमारे पास जो ब्लड होता है, ब्लड का जो ब्लड पार्टिकल RBC होता है उसमें पाया जाता है। RBC की बात करें, RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिका के नाम से या कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स में, जो वर्ड है दो शब्दों को मिला के बना है, दैट इज हीम प्लस ग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन का पूछा जाए, जो सेंट्रल मेटल होती है, मुख्य धातु जो होती है वो कौन सी होती है, तो हीमोग्लोबिन में जो मुख्य धातु होती है दैट इज आयरन, आयरन, और इसका जो सिंबल रहता है दैट इज Fe। बात करें यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और ब्लड होता है उसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है, या इसमें ये हेल्प करता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, हमारे पास ऑप्शन है पैनक्रियास, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट जो ऑप्शन रहेगा दैट इज स्टमक। स्टमक में, स्टमक का, स्टमक में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का डाइजेशन एक एंजाइम होता है स्टमक में दैट इज योर पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स बॉन्ड में तोड़ता है, ठीक है। एक हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटीन का जो पार्शियल डाइजेशन होता है, प्रोटीन का जो पार्शियल डाइजेशन होता है दैट इज अनस्कालिंग, जो पाचन होता है वो स्टमक में होता है, और पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये सहायता करता है, ये इसको तोड़ने में सहायता करता है। और एक हमारा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो पैनक्रियास अग्नाशय, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, यह पेप्टाइड बॉन्ड को अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए हम आप लोगों से कि प्रोटीन का जो फुल डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, तो फुल डाइजेशन हमारा पैनक्रियाज में होता है, और पार्शियल जो होता है वो स्टमक में होता है। बात करें पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाज में पाया जाता है। और जो माउथ होता है, यहाँ पे जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बात करें यहाँ पे स्टमक की, स्टमक में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है जिसमें हमारा पेप्सिन एंजाइम सहायता करता है, और इसी में एक हमारा आता है दैट इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि जिसे कहा जाता है कहाँ पाई जाती है, तो यह स्टमक में पाई जाती है, जो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस को, जठर रस को जो प्रोड्यूस करती है। बात करें यहां पे इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन में जो फुल डाइजेशन होता है वो फूड का फुल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये चारों ही पार्ट हमारे डाइजेशन सिस्टम का जो एलिमेंट्री पोर्शन रहता है उसमें होता है, ठीक है, उसके पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम, जहां जी का मान अधिकतम होगा। आपके पास ऑप्शन है द इक्वेटर, इक्वेटर, द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, द पोल ऑफ द अर्थ और कुतुब मीनार। बात करें राइट ऑप्शन की दैट इज द पोल ऑफ अर्थ। बात करें यहाँ पे अर्थ की, तो अर्थ हमारे पास स्फीयर की तरह है, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है बट मानी जाती है कि ये स्फीयर की तरह है, और यहाँ पे ये आता है आपके पास दैट इज इक्वेटर, इसे इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा, और यहाँ पे हमारे पास होते हैं पोल, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ से या इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, और इक्वेटर पे जो जी का मान होता है वो मिनिमम होता है, और पोल के ऊपर जो जी होती है वो मैक्सिमम होती है। बात करें सेंटर ऑफ अर्थ की, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का मान जीरो होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज द पोल ऑफ द अर्थ, पोल ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी है वो हमारे पास मैक्सिमम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज वेट ऑन द अर्थ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के बराबर होता है, हाफ हाफ, वन थर्ड, वन क्वार्टर, वन सिक्स। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज वन सिक्स। बात करें ग्रेविटी की, तो अर्थ पे जो ग्रेविटी रहती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और मून पे जो ग्रेविटी रहती है वो रहती है अर्थ की ग्रेविटी का सिक्स पार्ट, ठीक है, 1/6 रहती है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बात करें यहाँ पे जो वेट होता है दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, और
अर्थ पे जो वेट आएगा दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, और वेट मून पे जो आएगा दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून और ग्रेविटी ऑन मून. तो यहाँ पे अगर जी की वैल्यू हमारे पास 1/6 ऑफ अर्थ है तो हमारे पास जो वेट रहेगा दैट इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस रहेगा. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस हैविंग द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा वाला पदार्थ कौन सा है. हमारे पास ऑप्शन है H2CO3, HNO3, H2SO4, मोर देन द अबव. बात करें इनके रासायनिक नाम की, इसे कार्बोनिक एसिड कहा जाएगा, इसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं. बात करें राइट ऑप्शन की दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो रहेगा अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा वाला रहेगा. और बात करें यहाँ पे एसिड रेन की, एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू रहती है दैट इज 5.6, और एसिड रेन में जो अधिक मात्रा में रहता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड रेन में बात करें किससे बनती है, तो एसिड रेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है. जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. बात करें एसिड रेन में और कौन कौन से एसिड रहते हैं जो कम मात्रा में रहते हैं, तो इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जिसे HCl कहा जाता है, और कार्बोनिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द नेटल प्लांट, बिच्छू बूटी के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है. हमारे पास ऑप्शन है दैट इज योर मिथनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, इथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. बात करें मिथनोइक एसिड की, तो मिथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. सिट्रिक एसिड विटामिन सी सिट्रिक एसिड जो रहता है वो सिट्रस फ्रूट में रहता है. इथनोइक एसिड हमारे पास जो रहता है दैट इज योर एसिडिक एसिड में, इथनोइक एसिड जो रहता है इसका जो रासायनिक नाम रहता है दैट इज एसिडिक एसिड, और यह हमारे पास विनेगर में पाया जाता है, जो सिरका होता है उसमें यह अधिक मात्रा में पाया जाता है. ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास जो टोमेटोज होते हैं, टोमेटो है, ग्रीन वेजिटेबल है, उनमें हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज मिथनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है. CHCOOH इसका केमिकल फार्मूला रहता है. फॉर्मिक एसिड आपके पास जो चींटी के डंक में भी यही एसिड पाया जाता है, ठीक है. और बात करें यहाँ पे नेटल प्लांट की, तो यह हमारे पास एक जंगलों में पाया जाने वाला पौधा है. इसके जो हेयर्स होते हैं उनमें आपके पास यह जो एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है. अगर हम लोग इसको एक्सीडेंटली टच कर लेते हैं तो हमारे पास ये हम उस एरिया में क्या हो जाएगा, रैशेज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है. तो राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज योर मिथनोइक एसिड. थैंक यू. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू सो मच.